हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 25 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल इनकम टैक्स डे इन इंडिया। इस दिन को मनाते हैं 24 जुलाई को, टू मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इन 2010। 2010 में 150वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी इनकम टैक्स भारत में इम्पोज करने की, और तभी से इसको मनाया जा रहा है। इनकम टैक्स पहली बार कब लगाया गया था भारत में? 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। और इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजन्स पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम एंड द कंट्रीब्यूशन इट मेक्स टू द नेशंस डेवलपमेंट। यहाँ थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था और इसे पूरे देश में लागू किया गया था एक्सेप्ट सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर। 1989 में प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वर एक्सटेंडेड टू सिक्किम, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक भी एक्सटेंड नहीं किए गए थे। 2019 में जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये फॉर्म किए गए, तब से ये एक्ट जो है यहाँ पर भी लागू होता है। एट प्रेजेंट पूरे भारत पर यह एक्ट लागू होता है। तो 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज ए स्टेचुटरी बॉडी विथ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द इनकम टैक्स एक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में बाइफरकेट कर दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और एक सेपरेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाया गया, CBDT जिसे कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है इसके अंदर CBDT आता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमन, और CBDT के चेयरमैन है रवि अग्रवाल। डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को GST डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, जिसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। डॉक्टर्स डे की थीम थी हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई USA इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, इसकी थीम थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। 14 जुलाई को बेस्टाइल डे या फिर फ्रेंच नेशनल डे होता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे, थीम थी इसकी ओवरकमिंग बैरियर्स अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, इसकी थीम थी कम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन आवर हैंड्स। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, थीम थी चेस फॉर यूनिटी एंड पीस। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, अ फ्लैग ऑफ फ्रीडम, इसकी थीम थी 22 जुलाई को ही पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम थी एम्पावरिंग वॉइसेस सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन ब्रॉडकास्टिंग। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, विच कंट्री गेंड द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम 2010 टू 2020? ये कंट्री है चाइना, जिसने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया गेन किया है 2010 से लेकर 2020, 10 सालों के टाइम पीरियड में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। फॉरेस्ट एरिया जो चाइना ने गेन किया है ये मैक्सिमम है दुनिया में, और कितना है? 19,37,000 हेक्टेयर्स, फॉलोड बाई ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अदर कंट्रीज़ जो टॉप 10 में हैं वो हैं चिली, वियतनाम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली और रोमानिया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है टू मेक इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कम्बैट हंगर एंड टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। डायरेक्टर जनरल हैं इसके क्यू डोंग्यू, हेडक्वार्टर है रोम इटली में, और 1945 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं करंट अफेयर। मुंबई और दिल्ली ये 50 वेल्दीएस्ट सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड में शामिल की गई हैं। इंडिया बना है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में ये बताया गया है। फिर इंडिया ने $111 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया है 2022 में वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और बताया गया इंडिया का एक्सपोर्ट जो है ये पॉजिटिव ग्रोथ इसमें देखने को मिली 115 कंट्रीज़ में आउट ऑफ द टोटल 238 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ इट एक्सपोर्टेड इन 2023-24। टाटा RIL इन टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट। 2 कोल माइंस हैं छत्तीसगढ़ में, गेवरा और कुसमुंडा, ये दोनों इंक्लूड किए गए हैं वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम में टॉप 10 कोल माइंस ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। नीति आयोग की रिपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इट हैज़ सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $500 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन वैल्यू टर्म्स फॉर इंडिया टू बी अचीव बाय 2030।
हु रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम एस्टोनियाज पार्लियामेंट एज द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये सामने देख रहे हैं क्रिस्टेन मिचेल, इनसे पहले काजा कलास थे, अभी उनको रिप्लेस करके ये बन गए हैं, तो याद रखिएगा एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं, स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा ओम बिरला हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे भर्तृहरि मेहताब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं डिप्यूटी NSA विक्रम मिश्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ NS राजा सुब्रमणि, आंध्र प्रदेश के CM एन चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, झारखंड के हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी और सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग, धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO अजीत कुमार के, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी IRS इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की हैं ज्योति विज, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको क्लॉडिया शीनबॉम, आइसलैंड के प्रेसिडेंट हल्ला थॉमस डोटिर, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट और प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फिलेमोन यांग हैं। विच सिटी इज सेट टू बिकम द फोर्थ कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गेन रेलवे कनेक्टिविटी बाय जुलाई 2024। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फोर्थ कैपिटल बनी है आइजोल, जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी पहुँच पाएगी जुलाई 2025 तक। आज के ज़माने में भी देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे, लेकिन यहाँ पर चौथी कैपिटल सिटी बन गई है आइजोल, मिजोरम की कैपिटल सिटी है ये। श्रमिक बसेरा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, इसको लॉन्च किया है गुजरात ने, गुजरात के CM कौन है भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा लॉन्च की गई है श्रमिक बसेरा स्कीम टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन टू अराउंड 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर डे, इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। वट इज़ द टारगेटेड ईयर फॉर द 100% सोलराइजेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन इंडिया अंडर द PM सूर्य घर स्कीम, यह 2025 ऑप्शन सी करेक्ट है। टाटा पावर कंपनी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं उन्हें 2025 तक सोलराइज किया जाएगा अंडर PM सूर्य घर योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी चल रही है, 13 फरवरी 2024 में इसे लॉन्च किया गया था और इसमें लोगों को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो सोलर पावर यूनिट अपने रूफ टॉप पर लगाएं। रिटर्न में क्या होगा कि उनको 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये फ्री प्रोवाइड की जाएगी हर महीने। स्कीम एम्स टू टारगेट 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स अक्रॉस द कंट्री और ये अमाउंट एलोकेट किया गया है इसके लिए। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपग्रेडेड IRCTC टू शेड्यूल ACPSE हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC, यह संजय कुमार जैन, ऑप्शन डी करेक्ट है। IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और IRCTC फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसने शेड्यूल बी को शेड्यूल ए कैटेगरी के रूप में अपग्रेड किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स 25th ईयर। 1999 में IRCTC को एस्टेब्लिश किया गया था एंड ऑपरेटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। 2019 में इट वॉज लिस्टेड ऑन द NSE एंड BSE विद द गवर्नमेंट होल्डिंग 67% ownership, इसके CMD हैं संजय कुमार जैन। विच वुमेन इंडियन क्रिकेटर बिकेम इंडियाज हाइएस्ट T20 इंटरनेशनल रन गेटर बाय सरपासिंग स्मृति मंधाना, ये हैं हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर हाइएस्ट रन स्कोरर बन गई हैं वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में ड्यूरिंग द वुमेन्स एशिया कप T20 मैच। स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं, इंडिया के कुश मैनी ने जीता है फर्स्ट फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, यूकी भाम्ब्री इन पार्टनरशिप विद अल्बानो ओलिवेटी, इन्होंने 2024 स्विस ओपन मेंस डबल्स टाइटल जीता है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन हैं T20 टीम के WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, सूर्य शौर्य बावा ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल इंडिया ने जीता, कार्लोस अल्काराज और बारबोरा क्रिस्कोवा दोनों ने। सिंगल्स विंबलडन का टाइटल जीता है सिंगल्स कैटेगरी में। अर्जेंटीना ने जीता है 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल। स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम जिसे ला रोजा के नाम से भी जानते हैं, इसने जीता है 4th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर यूरो कप। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर जीता है 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, ये बने हैं अजिंक्य नायक, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के यंगेस्ट प्रेसिडेंट। अपर कर्नालीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये लोकेटेड है नेपाल में।
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड या फिर इरेडा ये इन्वेस्ट करेगी 290 करोड़ रुपए इन द 900 मेगावाट अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन नेपाल्स कर्णाली रिवर। नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश को 25 सालों तक यहाँ से पावर सप्लाई की जा सकती है। इरेडा की बात कर लेते हैं, मिनी रत्न कैटेगरी वन कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ एंगेज इन प्रोमोटिंग डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अ प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इफिशियंसी और कंजर्वेशन। मोटो है इसका एनर्जी फॉर एवर। कर्णाली रिवर की बात कर लेते हैं, ये एक पेरेनियल ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होती है ऑन द नेपाल साइड ऑफ द तिब्बत बॉर्डर अक्रॉस फ्रॉम द होली माउंट कैलाश। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है नेपाल में एट 315 miles। मोर देन 90% ऑफ द बेसिन लाइज इन नेपाल। इट कट्स थ्रू द हिमालयाज इन नेपाल एंड जॉइंस द शारदा रिवर एट ब्रह्मघाट इन इंडिया। टुगेदर दे फॉर्म द घाघरा रिवर, अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच मिनिस्ट्री रिसीव द हाइएस्ट एलोकेशन इन द यूनियन बजट 2024। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।